चार चीज़ों को अपनाने में कभी संकोच न करें। कभी भी आपका भविष्य चमक सकता है। आप अपने भविष्य को चमकाना चाहते हैं, इन चार चीज़ों को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीति में कुछ ऐसे ही लोग और चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें चयन हमें गुणों के आधार पर करना चाहिए, न कि उसकी परिस्थिति को देखकर। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बलबूते अपनी अलग ही पहचान बनाई। चाणक्य का ज्ञान लोगों को सफलता के रास्ते पर ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव और उसके गुण उसके अच्छा और बुरा बनाते हैं। निर्धन हो या धनवान, अगर व्यक्ति के गुण अच्छे हो तो हर जगह सम्मानीय होता है। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे ही लोग और चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें चयन हमें गुणों के आधार पर करना चाहिए, न कि उसकी परिस्थिति को देखकर। चाणक्य ने अपने एक श्लोक के जरिए बताया कि गंदगी से भी हमें कौन सी चीज़ें उठाने में संकोच नहीं करनी चाहिए, कैसा भी कचरा हो। चाणक्य ने श्लोक में बताया कि व्यक्ति को अमृत से भी जहर निकाल लेना चाहिए, यानी कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें। इससे आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी और हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अगले बात चाणक्य कहते हैं कि सोना अगर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाने में कतई ना हिचके। सोना की चमक सदा बरकरार रहती है, इसे साफ कर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। चाणक्य के अनुसार निम्न वर्ग में पैदा होने वाले इंसान से ज्ञान ग्रहण करने से कभी पीछे ना हटें। बुद्धिमान व्यक्ति जाति और धर्म ना देखें, ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो ले लेना चाहिए। चाणक्य ने इस श्लोक में बताया कि एक गुड़ी कन्या का सदा सम्मान करें। दुष्ट परिवार में जन्मी कन्या की परिस्थिति नहीं, उनके गुण देखना चाहिए। ऐसे कन्या को अपनाने में कोई दोष नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बेहतर होगा उसमें बुराइयां ढूंढने की बजाय अच्छाइयां खोजें। वहीं अपनी संतान को सदा श्रेष्ठ शिक्षा दें। मित्रों को धर्म कर्म के कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने वाले को सफलता जरूर मिलती है, वह कभी अपने जीवन में असफल नहीं होते हैं।